किसान मुक्ति मार्च, किसान को मुक्त करो इन बंधनों से। आज वही मैंने कहा, किसान को 1.5 गुना नहीं मिल रहा, पर मोदी जी कह रहे मैंने दे दिया। किसान मर रहा है, बोले तुम बड़े खुशहाल हो। किसान मर रहा है, टीवी पे आ रहा है छत्तीसगढ़ में कि मेरे बच्चे तो पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, मुझे तो बहुत बहुत पैसा मिल रहा है। फिर वही कह रही है बाद में, अरे मुझे तो पैसा दिया गया, बोलने के लिए मैं क्या करूँ। देश के अंदर किसान बर्बाद हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री जा जाके लोगों से कह रहा है कि हमने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया। हम किसानों के बीच पहुंचे, हमसे पूछे तुम्हें क्या मिला, तुम्हारा कर्जा माफ हो गया, कर्ज से मुक्ति मिल गई, नहीं मिली। 1.5 गुना लागत का दाम मिला, प्रधानमंत्री कह रहा मैंने दे दिया, लोगों को नहीं मिला। सीटों के नाम जानते नहीं लोग कि स्वामीनाथन क्या था। हम लोगों को बता रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आज की तारीख में अपनी लड़ाई खुद लड़ो, नेताओं में मत छोड़ो। 28 से लेकर 30 नवंबर तक दिल्ली में पूरे देश के किसान आएंगे। जैसे नासिक से बम्बई तक मार्च हुआ था, पूरे देश के किसान हर तरीके से आगे मार्च करेंगे और दिल्ली में आकर कहेंगे मोदी जी एक विशेष सत्र बुलाओ। अगर GST लागू करने के लिए तुम आधी रात को विशेष सत्र बुला सकते हो, किसानों को बचाने के लिए तुम क्यों नहीं कर सकते विशेष सत्र बुलाओ। 2 बिल हमने पार्लियामेंट में दिए हैं, सबको कर्जे से मुक्ति और 1.5 गुना लागत का दाम और उसकी गारंटी खरीद की, ये करो। और जो नहीं खरीदेगा उसको जेल भेजो या उसके खिलाफ फाइन करो, जो आप चाहो करो, पर किसान का न्यूनतम मतलब न्यूनतम उससे कम देश में नहीं बिकेगा।